टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ाएं, ये आज हमारा विषय है, इसी के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर लोग जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना चाह रहे होंगे, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, ज़्यादातर वो ऐसे लोग होंगे जो जिम जाते होंगे, राइट। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, या तो कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनमें इनफर्टिलिटी का इशू हो और कभी डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आपका टेस्टोस्टेरोन टेस्ट करा लीजिए या कम आया है, यही लोग हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। बहरहाल मैं आज की वीडियो में आप लोगों को टेस्टोस्टेरोन कम होने के कारण और उसको कैसे बढ़ाएं दोनों साथ साथ में बताता जाऊंगा, तो आपको बेसिक आइडिया मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की। ये मेल्स हार्मोन है, बट ये फीमेल्स में भी हो सकता है। तो मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कम। फीमेल्स में भी रोल है लेकिन कम रोल है। फीमेल्स के लिए प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मेन हार्मोन होते हैं। अब मेल के अंदर जैसे कि मांसपेशियों का डेवलपमेंट है, या आपकी जो कैपेसिटी है, जो एंड्योरेंस है, जो स्टेमिना है, वो सब इस हार्मोन के कारण आती है। जनरल हेल्थ के लिए या बोन के हेल्थ के लिए, या आपकी जो आवाज़ का भारी हो जाना, या जो आवाज़ में आपके बदलाव आता है किशोरावस्था, उन सब के लिए टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत होती है। ये तो जब भी आप जिम में जाते हो तो हमेशा ये कोई ना कोई आपका दोस्त सलाह देगा कि यार टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा कम होगा, तुम ऐसा ऐसा करोगे तो टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा बढ़ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि टेस्टोस्टेरोन की नॉर्मल वैल्यू 300 से लेके 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर है। तो आप बढ़ाने के लिए कोई सप्लीमेंट लें, उससे पहले आप एक बार वैल्यू देख लें कि आपकी है कितना, एक्चुअली में कम है कि नहीं है, राइट। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी वैल्यू नॉर्मल हो, उस केसेस में आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है मैक्सिमम ये 20 से 25 साल के बीच में होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपका कम होता जाएगा। अब कम होने का जो आज के समय में सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारा रहन सहन और हमारा खान पान, राइट। सबसे पहले खान पान की बात करें तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो स्टेरॉइड हार्मोन है। तो इसको बनाने के लिए हमें अच्छे वाले फैट की ज़रूरत होती है, कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, जैसे कि मूफा है और पूफा है। और हम लोग आजकल सैचुरेटेड फैट खाते हैं जो कि ख़राब होता है। तो अगर कोई व्यक्ति के खाने में फैट की मात्रा कम है, स्पेशली जो अच्छा वाला फैट है उसकी कमी है, तो टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाएगी। या ओबेसिटी के अंदर मोटापे में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है। तो कोई व्यक्ति अगर मोटा है तो उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाएगी। होता क्या है कि जो फैट होता है उसमें एक एरोमेटेज करके एंजाइम होता है जो आपके टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर देता है, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, जो फीमेल वाला हार्मोन है उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो अगर किसी को मोटापा है तो पहले उसको आप कम करोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके अलावा खाने में हमारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि सोयाबीन है, राइट, उसके अंदर एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड होता है, या मीट के प्रोडक्ट हैं या डेयरी के प्रोडक्ट हैं, दूध वगैरह, उसमें एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसा कोई भी खाना जिसमें एस्ट्रोजन बढ़ाने की कैपेसिटी होती है, एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, वो सब टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को कम कर देते हैं। टेस्टोस्टेरोन का रोल एस्ट्रोजन से जस्ट अपोजिट होता है। इसके अलावा अगर आप अच्छे से नहीं सोते हो, रात में 8 घंटे की नींद नहीं लेते हो, तो आपके शरीर में कार्टिसोल बढ़ता है, एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन है जो आपके टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को कम कर देगा, राइट। इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेस है, किसी भी तरह की चिंता है, चाहे वो घरेलू चिंता हो या व्यवसाय से संबंधित चिंता हो, कुछ भी हो, स्ट्रेस में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। तो अगर आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो सबसे पहले नींद आपको अच्छे से लेनी है, और इसके अलावा किसी भी तरीके का जीवन में तनाव है तो उसको आपको कम करना है। इसके अलावा जो प्लास्टिक के सब्सटेंस होते हैं, मतलब जो प्लास्टिक की जैसी कि बॉटल है, या प्लास्टिक की जो कप आती हैं, कटोरियाँ आती हैं, आजकल थालियाँ भी आती हैं, प्लास्टिक से बंद हम जो फूड आइटम लेते हैं, उसमें क्या होता है कि एक बिसफिनॉल करके कंपाउंड होता है जो टेस्टोस्टेरोन के मात्रा को कम कर देता है, राइट। तो उसको भी हमें अवॉइड करना है, प्लास्टिक की बोतल अवॉइड करना है, या कोशिश करें कि आप स्टेनलेस जो स्टील होता है या ग्लास के बर्तन में खाना खाएं या उसमें पानी पिएं। आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो प्लास्टिक का कम से कम यूज करना है। इसके अलावा जो एल्कोहल है वो भी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा शरीर में कम करती है। तो जो लोग एल्कोहल लेते हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन अपने आप समय के साथ कम होता है। इसके अलावा कुछ दवाइयां हैं, जो भी दवाइयां लंबे समय तक चलती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ की दवाइयां हैं या हाइपरटेंशन की दवाइयां हैं, कुछ स्टेरॉइड्स हैं, ये सारे भी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करते हैं। तो बहुत सारे लोग स्टेरॉइड लेते हैं मसल बिल्डअप करने के लिए, तो उसमें उल्टा हो जाता है, उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो कम होता जाता है, राइट।
इसके अलावा कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो सकती है, जैसे कि जिंक का लेवल का कम हो जाना। अगर जिंक का लेवल आपके शरीर में कम है तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, तो उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। जिंक जिस जिस खाने में होता है आप उसको ज़्यादा खाएंगे तो अपने आप टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा। विटामिन सी है, विटामिन ई है, ये भी टेस्टोस्टेरोन के बनाने में मदद करते हैं, तो उसको भी आपको खाने में लेना है। विटामिन B12 है, फोलिक एसिड है, विटामिन B3, नियासिन, ये भी टेस्टोस्टेरोन बनाने में मदद करते हैं, तो इनको भी आपको लेना होगा। इसके अलावा लीवर की प्रॉब्लम अगर किसी को है, लीवर डिसऑर्डर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, तो आप अपने लीवर की जांच करा लें एक बार, ठीक है कि नहीं है। इसके अलावा अगर किसी के शरीर में किसी भी तरह की क्रोनिक इलनेस है, किसी भी तरह की क्रोनिक बीमारी है, डायबिटीज़ की है, हाइपरटेंशन की है, अर्थराइटिस की है, वो सब टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करते हैं। तो ये सब कारण होते हैं जिससे टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपके शरीर में कम होता है। ज़्यादातर केस में हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या यही होती है। अगर आपने खाने में आप प्रोटीन को सम्मिलित कर लिया है, फाइबर को सम्मिलित कर लिया है, हरी सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं और अच्छा हेल्दी वाला फैट खा रहे हैं, तो ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपकी बॉडी में सही होगा। अब ये टेस्टोस्टेरोन कैसे कम होता है ये तो हमने देख लिया, अब इसको कैसे बढ़ाया जाए, तो ज़्यादातर मैंने कारण बता दिया, उसी में ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कारण से होता है, इसको हम हटाएंगे तो बढ़ जाएगा। दिनचर्या में बदलाव करना, जैसे कि आपको सोना है, तनाव नहीं लेना है, खाने में प्रोटीन लेना है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, अच्छा वाला फैट लेना है, किसी तरह की अगर बीमारी है तो उस बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश करें, जिंक का सप्लीमेंटेशन है वो ले सकते हैं, जिंक की टेबलेट ले सकते हैं, या ऐसे खाने खा सकते हैं जिसमें जिंक हो, ऐसे खाने खाएं जिसमें विटामिन सी हो, विटामिन ई हो, विटामिन B3 हो, B6 हो, B12 हो, इससे भी आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल ठीक हो सकता है। इसके अलावा और कई तरह के हर्बल सप्लीमेंट्स आते हैं मार्केट में, उनको भी लिया जा सकता है, जैसे कि अश्वगंधा है, या सफ़ेद मूसली है, या शिलाजीत है, अमूमन ज़्यादातर ये जो सप्लीमेंट आते हैं हर्बल उसमें मिलता है, तो आप इनको भी ले सकते हैं और एक्सरसाइज करें रनिंग से। इसके अलावा प्लास्टिक की चीज़ों में खाना ना खाएं, प्लास्टिक की चीज़ें ज़्यादातर केस में अवॉइड करें, कॉस्मेटिक में पैराबेन होता है उसको अवॉइड करें, उससे भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपका कम हो सकता है। विटामिन डी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, तो आप थोड़ा सन एक्सपोजर ले सकते हैं और इसके अलावा विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं। वजन आप अपना कम करें, ऐसे लोग जिनका वजन ज़्यादा है वज़न कम करेंगे तो उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। बहरहाल सप्लीमेंट लेने से पहले एक बार अपने टेस्टिंग करवाना है, और ये कुछ नेचुरल तरीके हैं, उसके बाद भी अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम है उस केसेस में आप चाहें तो सप्लीमेंट कुछ ले सकते हैं, मार्केट में बहुत अलग अलग तरह के आते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से टेस्टोस्टेरोन के बारे में जानकारी मिली होगी और कैसे बढ़ाएं इसके बारे में आपको हेल्प मिलेगी। राइट, थैंक यू।